नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश कुमार सिंह और आप देख रहे हैं बी न्यूज। राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद मामले पर इन दिनों देश के सियासी गरमाई हुई है और सभी को इस पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले आने का इंतजार है। 29 साल पहले आज ही के दिन जब कार सेवक बाबरी मस्जिद की तरफ आगे बढ़ रहे थे तो उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने सख्त फैसला लेते हुए कार सेवकों पर गोली चलाने का आदेश दिया था। इसमें 5 कार सेवकों की मौत हो गई थी, लेकिन मुलायम सिंह के इस कदम से बाबरी मस्जिद तो उस समय बच गई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की दशा और दिशा हमेशा के लिए बदल गई। बीजेपी को यहीं से राजनीति का संजीवनी मिला, जबकि मुलायम सिंह यादव की छवि हिंदू विरोधी बन गई और हिंदूवादियों संगठन ने उन्हें मुल्ला मुलायम के नाम से नवाजा। यह हिंदू विरोधी छवि अब तक मुलायम सिंह और उनके समाजवादी पार्टी से पूरी तरह से हटी नहीं है। बता दें कि 90 के दशक में अयोध्या आंदोलन पूरे चरम पर था और उत्तर प्रदेश की सत्ता की कमान मुलायम सिंह यादव के हाथ में थी। मुलायम ने बयान दिया था कि उनके मुख्यमंत्री रहते हुए बाबरी मस्जिद पर कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। अक्टूबर 1990 में हिंदू साधु संतों कार सेवक के लिए अयोध्या कूच कर रहे थे कि 30 अक्टूबर 1990 को कार सेवक की भीड़ बेकाबू हो गई और कार सेवक पुलिस बैरिकेडिंग तोड़ते हुए मस्जिद की ओर बढ़ रही थी। मुलायम सिंह यादव ने सख्त फैसला लेते हुए प्रशासन को गोली चलाने का आदेश दिया। पुलिस की गोलियों से 5 कार सेवकों की मौत हो गई थी। 30 अक्टूबर को मारे गए कार सेवकों के चलते लोग गुस्से में से भर आए थे और आसपास के घरों की छत तक बंदूकधारी पुलिसकर्मी तैनात थे और किसी को भी बाबरी मस्जिद तक जाने की इजाज़त नहीं थी। ऐसे में 2 नवंबर 1990 को एक बार फिर हजारों कार सेवक हनुमानगढ़ी की करीब पहुंच गए और पुलिस को एक बार फिर गोली चलानी पड़ी, जिसमें करीब 1 दर्जन कार सेवक की मौत हो गई थी। अयोध्या में कार सेवकों पर गोली कांड के 23 साल बाद भी मुलायम सिंह यादव ने जुलाई 2013 में न्यूज चैनल से बात करते हुए कहा था कि उस समय मेरे सामने मंदिर मस्जिद और देश की एकता का सवाल था। बीजेपी वाले ने अयोध्या में 11 लाख की भीड़ कार सेवक के नाम पर लाख खड़ी कर दी थी। देश की एकता के लिए मुझे गोली चलवानी पड़ी, हालांकि मुझे इसका अफसोस है, लेकिन और कोई विकल्प नहीं था। मुलायम सिंह यादव ने अपनी सख्त से उस समय बाबरी मस्जिद भले ही बचा ली, लेकिन इसके बाद उत्तर प्रदेश से लेकर देश की सियासत हमेशा के लिए बदल गई। इस घटना के चलते बीजेपी और हिंदूवादी संगठन ने मुलायम सिंह यादव को हिंदू विरोधी करार दिया। बीजेपी नेता अपने भाषण में कार सेवकों पर गोली चलाने के चलते मुलायम को मुल्ला मुलायम कहकर संबोधित करते थे। उन्होंने हिंदू विरोधी और मुस्लिम परस्त नेताओं का तौर पर पेश करते थे। मुलायम सिंह 29 साल बाद भी अपनी यह छवि पूरी तरह से समाप्त नहीं कर पाए हैं। 1991 में लोकसभा चुनाव हुआ तो बीजेपी 85 से बढ़कर 120 सीट पर पहुंच गई। इतना ही नहीं, 1991 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव हुआ तो मुलायम सिंह बुरी तरह से हार गए और बीजेपी पूरे बहुमत के साथ सरकार बनाने में कामयाब रही। वहीं कल्याण सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने और 1992 में कार सेवक एक बार फिर से अयोध्या में जुटने लगे और 6 दिसंबर 1992 को यह प्रशासन जो मुलायम के दौर में कार सेवकों के साथ शक्ति बरतते थे मुखसद बन गए और कार सेवक बाबरी मस्जिद गिरा दिए। कल्याण सिंह ने इसकी नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए 6 दिसंबर 1992 को ही मुख्यमंत्री पद से त्याग पत्र दिया। दूसरे दिन केंद्र सरकार ने यूपी के बीजेपी सरकार को बर्खास्त कर दिया और कल्याण सिंह ने उसे समय कहा था कि यह सरकार राम मंदिर के नाम पर बनी थी और उसका मकसद पूरा हुआ। ऐसे में सरकार राम मंदिर के नाम पर कुर्बान हुई। यूपी के कल्याण सरकार भले ही बर्खास्त हो गई हो, लेकिन बीजेपी की राजनीति को देश भर में संजीवनी दे दी गई और 1980 में बीजेपी का गठन हुआ और पार्टी के बनने के बाद ही उसने खुलकर राम मंदिर आंदोलन का मोर्चा संभाला और बीजेपी के गठन के 4 साल बाद चुनाव हुआ तो पार्टी के केवल 2 सांसद जीते थे। 1989 में बीजेपी ने पलयम पूर्व अभिदेश में राम मंदिर आंदोलन को धरा देने का फैसला किया। उधर राजीव गांधी विवादित स्थल के पास राम मंदिर का शिलान्यास करने की इजाज़त दे दी। तो यह थी राम मंदिर की कुछ अनोखी कहानी।
लेकिन राम मंदिर की अनोखी कहानी यही खत्म नहीं होती है। बी न्यूज आपको लगातार दिखा रहा है राम मंदिर से जुड़ी एक एक तथ्य को। हम जल्दी आपके सामने कुछ ऐसे सबूत पेश करने वाले और आपको दिखाने वाले हैं जो कहा जाता है कि 500 सालों से ज्यादा जीने वाले देवराहा बाबा थे, जो देवरिया में उनकी माचा है। आज भी लोग वहाँ उनके पांव के तले अपने माथा टेक कर उनसे आशीर्वाद लेते हैं। उन्होंने क्या कहा वो भी सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं फिर एक नई खबर और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।